बच्चों को दाल रोटी सब्जी खिलाना तो हम सभी चाहते हैं। क्यों ना कुछ ऐसा टेस्ट किया जाए जिसे बच्चे दाल रोटी सब्जी बड़ी खुशी से खाएं। आज का वीडियो कुछ इसी तरीके का है। और हाँ, कुछ ट्रिक्स को यदि फॉलो करेंगे तो ये दाल और आटे की मठरी 2-3 दिन तक आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आधा कप मैंने लिया है मूंग दाल, जो येलो कलर की प्लेन दाल होती है। उसे मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया है। भिगोने के बाद ये बहुत ही अच्छे से फूल सी गई है। इसका पूरा पानी हम निकाल लेते हैं। इसे एक मिक्सर के जार में डाल रही हूँ। याद रहे, इसमें पानी एक बूंद भी ना डालें। काफी हद तक फूली हुई है, ये आराम से बन जाएगी ऐसे ही। इस मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, 1 से 2, डिपेंड करता है आपको कितना स्पाइसी चाहिए। थोड़ा सा टुकड़ा अपन डाल देते हैं अदरक का, उसे भी बारीक बारीक करके मैं डाल देती हूँ। अब इसे मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए, बहुत दरदरी नहीं है लेकिन बहुत प्लेन भी नहीं है। इसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी भी है, टेस्टी बहुत है। इस दाल को हम थोड़ा अलग रख लेते हैं। अब इस पूरी को बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा। आप मैदा भी ले सकते हो, वैसे गेहूं का आटा बेस्ट रहता है। 1 कप ले लिया है भर के मैंने गेहूं का आटा। उसमें 3-4 टेबल स्पून बारीक वाली सूजी डाल दी है। सूजी डालने से ये जो पूरी है बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसमें स्वाद अनुसार नमक, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें रिफाइंड ऑयल, 1/2 चम्मच मैं अजवाइन ले रही हूँ। इसे हाथों से क्रश करके इस पूरी के अंदर डालना है। अब इन सब को हमें मिक्स करना है, नॉर्मल पानी से इसे गूंथना है। इस मोयन को आप अच्छे से मिक्स जरूर कीजिए। इसे हमें थोड़ा कड़ा गूंथना है। ये देखिए, थोड़ा सा टाइट जैसे पूरी का आटा होता है वैसे ही हमने इसे गूंथ लिया। थोड़ा सा ऑयल लेके और इसकी मसाज कर लीजिए, जिससे बहुत ही बढ़िया सा आटा गूंथ जाए। अब इसे भी हम ढक के एक तरफ रख लेते हैं। अब बनाएंगे इसके लिए सब्जी। सब्जी बनाना इसके साथ जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल पूरी ये बना के रख लीजिए, बच्चे यूं ही खाते रहेंगे। पर क्योंकि आज मुझे लगा मुझे घर में बनानी भी थी आलू की सब्जी, और ये मैं थोड़ा अलग से बनाती हूँ। सारे आलुओं को मैश करके फिर मैं सब्जी बनाती हूँ उबले हुए आलू से। जो 4 से 5 मेरे पास आलू थे उन्हें मैंने फोक से छोटा छोटा बिल्कुल मैश सा कर दिया है। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, 1 तेज पत्ते को तोड़ के डाल दिया है, 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया है। अब इस कढ़ाई में 1/2 चम्मच डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को बढ़ा भी सकते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला। मसाला देखिए मैं भून रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर जिसे मैंने ग्रेट किया हुआ है। वैसे तो आलू की सब्जी नॉर्मली हम लोग कई बार बना लेते हैं, पर कभी कभी मन करता है ना थोड़ा सा चेंज करने के लिए। कई बार मैं आलू को पूरा मैश करके ये सब्जी बना लेती हूँ, वो बहुत ही अच्छी लगती है। अब इस टमाटर को अच्छे से पकने दीजिए। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। यहाँ देखिए टमाटर बहुत अच्छे से पक रहा है। अब मैं इसमें ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा अदरक और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं हींग का पानी। अगर टुकड़े वाला हींग होता है ना, उसमें मैं पानी डालकर रख देती हूँ फ्रिज में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हींग होता है, उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और अगर पाउडर हींग हो तो आप जीरे के साथ ही डाल सकते हैं। अब ये मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। इसमें 1/2 कप दही को, मतलब काफी है दही, 1/2 कप से ज्यादा ही है, उसे मैंने फेंट लिया है, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। एक तरीके से इस आलू को आप दही वाले आलू भी कह सकते हैं। अब इस तरीके से डालने से ये दही फटेगा नहीं, और तेज आंच पर इसे चलाते जाएं। थोड़ा सा दही पकने के बाद इसमें डाल दीजिए मैश किया हुआ आलू। दही, मसाले, टमाटर और आलू, इन सब को एक बार भुनने दीजिए। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये पूरी सब्जी का जो नमक है अभी आप इस वक्त डालिए। जब ये सब्जी काफी देर भुन जाए 5 से 6 मिनट के लिए, उसके बाद आपको जितनी सब्जी पतली रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए।
अब इसके ऊपर बारीक कटा हरा धनिया डाल देते हैं। इस सब्जी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसे कवर करके मैं स्लो गैस पर इसे पकाऊंगी कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। इस दाल में भी मैं 2 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी जरूर डालूंगी। इस ट्रिक से आपकी दाल बहुत ही थिक भी बनेगी। वैसे तो हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, पर कभी पानी होगा तो ये सूजी पानी को सोख लेगी। इस ट्रिक से बहुत ही बढ़िया बनती है। अब इसमें मन चाहे मसाले डाल दो। मैंने हल्दी पाउडर डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, अमचूर पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला, स्वाद अनुसार नमक डाला। यहाँ डाल रही हूँ मैं कुछ चिली फ्लेक्स। इसमें डालेंगे हींग का पानी या फिर पाउडर हींग जो आपके पास हो वो डाल दीजिए। इसमें थोड़ी खड़ी जो धनिया होती है, सूखा साबुत धनिया, वो जरूर डालिए। उसका बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। थोड़ी सी सौंफ, जो मोटी सौंफ होती है, उसे हल्का सा कूट के भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालिए खूब सारा हरा धनिया। इधर देखिए सब्जी भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब इस सब्जी को हम हटा देते हैं। अब हम उस आटे को देख लेते हैं जो हमने गूंथ के रखा था। सारे आटे को निकाल लीजिए, एक बार मल लीजिए, इसकी 2 लोइयां बना लीजिए और इसे पतला बेल लीजिए। इस आटे को हमें बहुत पतला बेलना है, चाहे तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लगाते जाएं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत पतला है। अब आप चाहे तो बड़ी बड़ी जो नॉर्मल पूड़ी होती है वो शेप काट लीजिए। अगर आपको छोटी छोटी काटनी है तो इस तरीके से तिकोनी काट सकते हैं या गोल ढक्कन से भी काट सकते हैं। मेरे पास एक कुकी कटर था, मैं इससे तिकोने काट रही हूँ। ये छोटे छोटे बहुत ही सुंदर मठरी की तरह लग रहे हैं। इन्हें हम अलग रख देते हैं। अब चलते हैं इस दाल को पूरा मिक्स कर लेते हैं। मसालों को मिक्स आप पहले ना करें, क्योंकि नमक अगर मिल जाएगा ना दाल में तो वो पानी छोड़ने लगेगा। बिल्कुल उसी वक्त ही मिक्स करें जब आप पूरी पर लगाने वाले हो और आपका ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया हो। अब यहाँ पर लीजिए 1-1 चम्मच दाल इस मठरी के ऊपर रखते जाइए। बहुत कम नहीं, नॉर्मल जैसे सारी मठरी ढक जाए। ये देखिए हाथ से आप इसे ढक दीजिए। आपको लगेगा ना ये मठरी के ऊपर दाल टिकेगी कि नहीं, 100% टिकेगी। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल टिकेगी। जो रेसिपी के लिए लगता है कि आप आराम से बना सकेंगे, मैं वही रेसिपी आपको देती हूँ। ये उंगली से आप इस तरीके से उसे फैला दीजिए। अब चलते हैं इसे डालेंगे कैसे। ये देखिए कढ़ाई गरम हो चुकी है, ऑयल गरम है। हमें हर मठरी को उल्टा करके डालना है, मतलब दाल वाला साइड नीचे। दाल वाला साइड अगर ऊपर करेंगे तो वो मठरी जो है दाल छोड़ देगी। दाल वाला साइड हमेशा नीचे रखिए और उसे चलाइए तब तक नहीं जब तक कि ये मठरी ऊपर तक न तैरने लग जाए। जैसे ही ये दाल पकना शुरू होएगी अपने आप ये ऊपर आएगी, बिल्कुल न घबराएं। और एक ही टाइम में 8-10 मठरियां वो डाल सकते हैं। अब करीब करीब 3 मिनट हो चुके हैं, मैं इन्हें चला के देख रही हूँ। हो सकता है शुरू में जरा सा नीचे चिपके, पर बिल्कुल टेंशन ना ले, आराम से ऊपर आ जाएगी। ये देखिए मैंने हल्का सा खुरपी से चलाया, वो सारी ऊपर आ गई हैं। अब जगह हो तो और भी आप साइडों से डालते जाइए। ये देखिए मैंने अभी पलट दी हैं, बहुत ही आराम से पलट सकते हैं। और अब चाहे आप मीडियम फ्लेम कर दें, वो धीरे धीरे उन्हें सिकने दें। ये देखिए गोल्डन कलर की फ्राई हो गई है, ऊपर नीचे दोनों ही कलर बहुत ही बढ़िया आया है। इसे हम निकाल लेते हैं। अब आप चाहें तो आलू की सब्जी ना बनाएं, इन मटरियों को बनाकर ठंडा करके एक एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। दाल और आटे की ये मटरियां बहुत ही बढ़िया बनी है। ये देखिए इसी तरीके से सारी हम बना लेंगे। जो खाएगा आपकी तारीफ जरूर करेगा, बहुत ही टेस्टी भी और हेल्दी भी। लीजिए सब्जी को भी मैंने थोड़ी देर ढककर स्लो गैस पर रख दिया था, वो ऑयल ऊपर से आ गया है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए मैं लगा लेती हूँ। इसके साथ आप नॉर्मल पूड़ी, रोटी, किसी के साथ भी आप सब्जी को खा सकते हो। ये मैश किए हुए आलू की सब्जी आप जरूर ट्राई कीजिए। इसके साथ हम रख देते हैं दाल की मठरी। और मैं अभी आपको पूरी जो पूड़ी टाइप होती है वो शेप भी आपको बता रही हूँ। तो अब हमने मठरी तो बना ली है, अब हम पूड़ी के शेप में इसे बेलने जा रहे हैं। ये देखिए मैंने गोल गोल पूड़ी बना ली है, उसके ऊपर भी उसी तरीके से दाल को हमें फैलाना है।
इसे भी हमें उसी तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए, मैंने पूरी को नीचे से डाला जिसमें नीचे की तरफ दाल है। दो दो तीन दिन पूरियों को एक साथ आप फ्राई कर सकते हो, लेकिन आज इस वक्त शुरू में जब आप डाल रहे हो दाल, तब फुल होनी चाहिए, स्लो नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद आप पलट सकते हो। देखा ना आपने, दाल बिल्कुल भी अलग नहीं हुई, चाहे आप छोटी मटरी बनाए या बड़ी पूरी बनाए। बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी, टेस्टी बहुत बनती है। क्या आपने भी कभी इस तरीके से दाल वाली पूरी बनाई है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लीजिए, पूरियां बनकर तैयार हुई है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये देखिए, लग रही है ना बहुत ही बढ़िया से पूरी। अब वो छोटी मटरी जो है उसके साथ मैं आलू की सब्जी लगा के दिखा रही हूँ, इसे खाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।